हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जिससे हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो सबसे पहले हम इन्हें एग्जांपल से ही समझेंगे। सबसे पहले हम एक 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देखेंगे, देन 4 डिजिट नंबर का, उसके बाद 5 डिजिट और लास्ट में 6 डिजिट नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय डिवीजन मेथड। 324 जो है ये एक 3 डिजिट नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मींस 324 किसका स्क्वायर होता है हमें ये फाइंड करना है, कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। सो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज, डिवीजन मेथड को करने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, 1 to 10, 1 से लेके हमें 10 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए, जो कि बिल्कुल ही इजी होते हैं। ऐसे स्क्वायर नहीं भी याद तो 1 से लेके 10 तक टेबल तो सभी को याद होते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ऐसे ही करके 10 तक हमें मिनिमम आने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं 324 का। तो सबसे पहले ना हम 324 को इस साइन के अंदर लिख लेंगे, क्योंकि डिविजन मैथड इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब सबसे पहला स्टेप होता है, हमें पेयर बनाने होते हैं। हमेशा याद रखना, राइट हैंड साइड से हम 2 2 के पेयर्स बनाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर है, तो ये 2 का पेयर बन जाएगा और ये 1 सिंगल रह जाएगा। अब हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब सबसे पहले हमें देखना है क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है। 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो देखना है 3 से छोटा कौन सा स्क्वायर होता है और वो किसका होता है। 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 से छोटा तो भाई बस 1 होता है, 1 1 ज़ा 1। सो 1 होता है 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 1 ज़ा यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इन्हें माइनस कर लेंगे, 3 में से 1 गए 2। दूसरी बात, इसको यहां तक लिखना है लाइन को, इस 1 को हमें अगेन यहाँ पे लिखना होता है 1 और इन दोनों को एड करके नीचे लिखना है 2। क्या किया मैंने, एक और बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले ये 3 था हमारे पास, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 से छोटा देखा हमने तो 1 होता है, 1 1 ज़ा 1, मतलब 1 1 का ही स्क्वायर है, तो 1 1 ज़ा 1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद इन्हें तो सिंपली माइनस कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 को 1 में प्लस करके 2 लिख दिया। अब सबसे मेन स्टेप जो होता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जबकि कंफ्यूज होने वाले कुछ भी बात नहीं है, यहाँ पे हमें, हमारे पास समझ लो एक ब्लैंक है, ठीक है। पहले तो हम इसको उतार लेंगे, इस पूरे पेयर हमने इसीलिए बनाया क्योंकि ये पूरा पेयर में उतरेगा, ओनली 2 या फिर ओनली 4 को नहीं उतारना, पूरा 24 उतरेगा। अब यहाँ पे हमारा आ गया 2 2 4, हमें देखना है 2 2 4 किसका स्क्वायर होता है, जिसकी एक डिजिट टेंस प्लेस पे तो हमें पता है 2 है, हमें देखना यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगी, मतलब 2 है, यहाँ पे भी ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक है, हमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है 224, ये आंसर आ जाए। तो हम सिंपली एक तो ये देख सकते हैं कि किसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे 4 आता है, ठीक है। तो एक तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, नहीं भाई ये तो बात नहीं बनी, बहुत ही छोटा नंबर आया 44। तो अब हम क्या करेंगे, इससे बड़ा देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 3 रखूँ तो 3 3 ज़ा तो 9 होता है, बिल्कुल चांसेस नहीं है। अगर 4 रखूँ तो 4 4 ज़ा 16 होता है, तब भी चांस नहीं है। ऐसे ही 5 5 ज़ा 25, तो लास्ट में 5 आएगा, तब भी बात नहीं बनेगी। 6 6 ज़ा 36, तब भी बात नहीं बनेगी। नाउ 7 7 ज़ा 49, इसमें भी लास्ट में 9 आ रहा है, नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है 8, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आंसर आता है, मतलब यूनिट प्लेस पे हमें 4 मिल रहा है। तो फटाफट से करके देख लेते हैं, 2 यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैंक वाली जगह पे 8 और नीचे भी 8, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64 होता है, 4 यहाँ, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 20 2, तो हमारा सेम आंसर आ गया 2 24। तो हम इस ब्लैंक में भी 8 भरेंगे और ऊपर भी 8 भरेंगे, जैसे भाई हमने ऊपर किया था ना 1 1 ज़ा, ऐसे ही 8 8 ज़ा, तो 28 और ऊपर 8, हमारा आंसर आ गया 224। अब इन्हें माइनस करके खत्म, बिल्कुल आंसर 0 आ गया। अब अगर हम चाहें अपने आंसर को चेक करना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये 28 आया है ना, 28 उसके नीचे हम लिखेंगे 8, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, और सिंपली एड कर देंगे, 8 प्लस 8 16,
टू प्लस वन थ्री, 36। तो ये जो आंसर होता है ना हमारा यहाँ पे जो आता है ये हमेशा ऊपर वाले का डबल होता है, 18 का डबल है 36। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। तो हम लिख देंगे अंडर रूट 324, इसका स्क्वायर रूट क्या है 18, मीन्स 18 का स्क्वायर होता है 324। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7744 बाय डिवीजन मेथड। 7744, इस बार पहले 3 डिजिट नंबर लिया था, अब 4 डिजिट नंबर ले रहे हैं, हमें इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो सेम सबसे पहले ही साइन बनाएंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे 7744। इसके बाद पेयर बनाना शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से, सो 44 एक पेयर बन रहा है एंड 77 दूसरा पेयर बन रहा है। अब हमें सबसे पहले देखना है क्या 77 किसी का स्क्वायर होता है, अगर नहीं होता तो इससे छोटा कौन सा होता है और वो किसका स्क्वायर होता है। सो 8 होता है, 8 8 जा 64, 77 से छोटा स्क्वायर 8 का ही होता है जो कि होता है 64। चाहे तो हम करके देख सकते हैं 9 का, 9 9 जा 81, 81 ग्रेटर है 77 से, इसीलिए हम लिखेंगे 8 8 जा 64 एंड माइनस कर देंगे यहाँ पे 7 में से 4 गए 3, 7 में से 6 गए 1, यहाँ पे आ गया 13, यहाँ पे अगेन 8 को उतारेंगे और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 16, यहाँ पे हमें ब्लैंक छोड़ना है अभी। अब ये वाला पेयर नीचे उतारेंगे 44। अब हमें देखना है कि 1344 किसका स्क्वायर होता है, 16 तो हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब हमारे पास 16 है, यहाँ पे भी ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1344 आ जाए। अगेन हम यूनिट प्लेस वाले डिजिट देख सकते हैं कि लास्ट में 4 आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे भी 2 रखूं और यहाँ पे भी 2 रखूं तो शायद बड़ी छोटी सी डिजिट आएगी, करके देख लेते हैं। 1622, 2 2 जा 4, 6 2 जा 18, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 384 तो बहुत छोटा है 1344 से। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 4 कब आता है, या तो 2 2 जा या फिर 8 8 जा पे, तो 16 यहाँ पे हम 8 को रख के देख लेते हैं, 8 8 जा 64, 6 8 6 जा 48 प्लस 6 54, सो 4 5, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, तो हमारा सेम आंसर आ गया 1344। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 8 और यहाँ पे भी क्या रखेंगे 8 और 1344 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे माइनस करके बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब चाहे तो हम अपना आंसर चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने 8 लिया है तो यहाँ पे भी 8 लिखेंगे और प्लस कर देंगे, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 7 1 176 डबल होता है 88 का, मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 7744, ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 88। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 10201 बाय डिवीजन मेथड। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है जो कि एक 5 डिजिट का नंबर है। सो सेम पहले की तरह ही हम पहले तो साइन बना लेंगे, उसके अंदर वैल्यू लिखेंगे 10201। अब इनके पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, तो ये 2 एक पेयर बन रहे हैं, ये 2 एक पेयर बन रहे हैं और 1 अकेला छूट जाएगा, ये अकेला ही रहेगा। अब पहले 1 देखेंगे हम, 1 किसी का स्क्वायर होता है, यस 1 1 का ही स्क्वायर होता है, सो 1 1 जा 1, माइनस करेंगे 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 1 को ही सेम लिखेंगे, एड कर देंगे 1 प्लस 1 2 हो गया, यहाँ पे अभी खाली छोड़ना है हमें। अब हम 02 को भी नीचे उतार लेंगे 02। नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब हमें देखना है कि 2 के यहाँ पे मैं क्या रखूं, 2 यहाँ पे भी ब्लैंक है नीचे भी ब्लैंक है, इनटू करना है और हमें आंसर लाना है 002। तो सोचो अगर मैं सबसे छोटी डिजिट भी रखूं, अगर मैं 0 रख दूं तो सारा ही 0 हो जाएगा, 1 रख दे तो 211 into, तो 21 आंसर आएगा, मतलब ये तो हमारा आंसर बिल्कुल आ ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो एक और उतारेंगे, और जब हम दो चीजें उतारते हैं तो डिवीजन में भी सिंपल सी बात है, जब दो चीजें हम एक साथ उतारते हैं तो ऊपर 0 लगता है, और जो चीज हम यहाँ लिखते हैं वो 0 हम यहाँ भी लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगा, और ये वाले डिजिट हमने 01 उतार ली। अब यहाँ पे जो टेबल में आ सकती है वो 201 एक डिजिट हो गई। अब हमें देखना है, ये तो वैल्यू है हमारे पास 20, यहाँ पे भी ब्लैंक है नीचे भी ब्लैंक है और हमें मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है 201। तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे भी 1 रखूं और यहाँ पे भी 1 रखूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 201, तो यहाँ पे भी 1
ऊपर भी 1 और यहाँ पे 201, आंसर आ गया इनको माइनस करके 0। सो 10201 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 101, मींस 101 का स्क्वायर होता है 10201। अब एक लास्ट देख लेते हैं, 6 डिजिट का नंबर। सो हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 265225 बाय डिवीजन मेथड। इस बार हमारे पास 6 डिजिट का नंबर है, तो बस इजी है, चाहे 6 का हो 4 का हो, करना सेम उसी तरीके से है। पहले हम लिख लेंगे 265225। नाउ राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, इवन है मतलब 6 है, तो बहुत ही इजीली दो दो के पेयर में आ जाएंगे ये। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो हमें देखना है 26 क्या किसी का स्क्वायर होता है, भाई नहीं होता। तो 26 से छोटा क्या होता है, 25 होता है, किसका स्क्वायर, 5 का। तो हम लिखेंगे 5 5 ज़ा 25। अब माइनस करेंगे तो 26 में से 25 गए, 1 बचेगा। नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, 52 है जो कि, यहाँ पे 5 ही लिखेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, 5 प्लस 5 10 आ गया। अब हमारे पास 52 लाना है हमें आंसर, किसको, 10 को, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक, मल्टीप्लाई करके 152 आंसर लाना है। तो पहले तो 2 देखना है हमें, किसको किससे मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस पे 2 आता है। 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। तो भाई ये तो 1 से लेके 9 तक में किसी का भी स्क्वायर नहीं होता 152। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमें देखना है कि 152 से छोटा क्या कोई नंबर है जो कि इससे छोटा है और किसी का स्क्वायर होता है। तो एक ही नंबर है 10, यहाँ पे भी 1 रखे, नीचे भी 1 रखे, 101 होता है। तो यहाँ पे भी हम 1 रखेंगे, ऊपर भी 1 रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 101, इन्हें माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 0 गए 5, यहाँ आ गया मेरा 51 आंसर। तो अब यहाँ पे हमने 1 लिखा है तो इसके नीचे 1 लिख के ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 2 0 1, यहाँ पे आ गया 102। अगला पेयर उतारेंगे जो कि है हमारा 25, तो अब हमें 102 और यहाँ पे एक ब्लैंक होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगी वो डिजिट, नीचे भी ब्लैंक होगा, मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लाना है 5 1 2 5, ये आंसर लाना है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जिसके भी लास्ट में 5 आता है तो 5 को ही 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। तो 102 यहाँ पे भी 5 रखेंगे, यहाँ पे भी 5 रखेंगे, 5 5 ज़ा 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 का 2 कैरी, 1, 5 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 5 1 ज़ा 5, सॉरी 5 5 ज़ा 25 आएगा यहाँ पे, तो 5 1 2 5 हमारा सेम आंसर आ गया, 5 1 2 5, इन्हें माइनस करेंगे 0 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे भी 5 रखेंगे, ऊपर भी 5 रखेंगे। अब इसको देखने के लिए कि सही है या नहीं, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, 5 प्लस 5 10 3 0 1, 5 1 5 का डबल होता है 1 0 3 0, सो 2 6 5 2 2 5, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 5 1 5, मतलब 515 का स्क्वायर होता है 265225। तो ये था डिवीजन मेथड, इस तरीके से डिवीजन मेथड को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब आप कोई भी 3 4 5 6 या उससे ज्यादा भी 7 8 डिजिट, कितने भी डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।